ना एक स्टैंड बनाया, बाइक स्टैंड। तो मैंने मतलब ना कल बना लिया था, तो मैं उसको वीडियो में दिखा नहीं सका, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाने का तरीका है। और दिखा देता हूँ पहले आपको, एक समझ कर। वीडियो अगर किसी के पास कैमरा वगैरह या उसने किसी मोबाइल लगाने के लिए बनाना है ना, तो वो उसके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो बनाने के लिए, बाइक पे वीडियो बनाने के लिए, तो वो बहुत बेहतर रहता है। तो वो वाला मैंने कैमरा स्टैंड बनाया है, एक मिनट। हाँ ये देखो, ये कैमरा स्टैंड बनाया है, ठीक है ना। अभी मैं आपको फिट करके दिखाऊंगा कैसे फिट होता है ये। और ये आम जो सा आपको बताऊँ ना, जो सा आम जो सा मिलता है, मतलब ऑनलाइन मंगवाना हो ये वैसे मंगवाना हो, वो आपको गारंटी से बता रहा हूँ 1500 से कम आपको नहीं मिलेगा। और इसकी अगर आपको तो प्राइस बताऊँ ना, एंड में आपको इसकी प्राइस बताऊँगा कितने का बनाया है, ठीक है ना। वैसे तो ये लोअर प्राइस में ना, फुल लोअर प्राइस में आप ये भी बता सकते हैं, लेकिन अभी आपको पहले ना मैं लगा के दिखाता हूँ तो कैसा लगता है वो भी बता दूँ। उसके बाद उसकी वीडियो क्वालिटी मैंने आज चेक करनी है, कैसी वीडियो क्वालिटी आती है, हिलता तो नहीं हुआ है, तो सारा चेक करेंगे। तो अभी पहले मैंने इसको लगा दूँ, तो आपको लगा के मिलता। तो ये स्टैंड है, मतलब ये जो है ना, मैं आपको बताऊँ अगर, तो ये देखिए, ये मैंने लिया है, एक बेल लिया है, मतलब साइकिल बेल जो सी होती है, साइकिल बेल ली है। तो उसके जो अंदर वाला सारा सिस्टम है ना, ये मैंने सारा निकाल दिया, अंदर वाला सारा सिस्टम। मैंने एक नट लिया जो कि ना, मतलब कैमरे के साथ फिट हो सके, ठीक है। कैमरे का मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट। कैमरे के साथ फिट हो सके जो ये साइड पे, ठीक है ना। तो ये नट लिया, ये आम वगैरह अगर आपने मोबाइल होल्डर भी बनाना है तो भी वो भी इस्तेमाल करेगा। तो मोबाइल होल्डर के लिए भी आजकल ये नट वाले आ रहे हैं, तो आप वो नट ले लें जिसमें मोबाइल होल्डर वाला है, वो लग जाए। जैसे सेल्फी स्टिक के ऊपर चीज़ नहीं लगी होती यार, वो लग जाए, ठीक है ना। वैसे अगर कैमरे के लिए, तो कैमरे के लिए भी बेहतर है। तो मैंने तो कैमरे के लिए बनाया, तो मैंने बोला क्या कि इसके ना ऊपर फ्लावर सा लगा हुआ था, मैंने वो उतार दिया, तो इसमें सुराख था पहले। मेरा जेन नहीं था ये नट लगाने का, ठीक है ना, ये ऊपर वाला लगाना था। लेकिन तो ना मैंने बोला क्या किया, मैंने कहा यार वेल्ड करवा दो, वेल्ड करवा के सही रहेगा। तो फिर मेरे पास नट का हल था, मैंने नट इसके साथ कस दिया, तो उसके बाद ना नट बिल्कुल टाइट हो गया इसके साथ। और इसकी बात रही ना, ये होल्ड नहीं हो रही थी, मतलब ये निकली जा रही थी। तो मैंने ना इसके सारी साइड पे ना, इधर वाली साइड पे सारी, ये वाइट वाइट देख रहे हैं अब, ये सारी एल्फी लगी हुई है, ठीक है ना। तो ना उसके अलावा, उसके बाद ये चिपक गया था। चिपकने के बाद ना मैंने ना, मतलब ये सारा ओके हो गया था। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको एक नट चाहिए, ये वाला, और एक ये वाला नट चाहिए, और आपको एक बेल चाहिए। बेल ख़राब भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आम बेल अगर आप ले लेना नई वाली, तो वो बेहतर होगी, क्योंकि नई चीज़ तो नहीं होती है। तो ख़राब बेल भी इस्तेमाल हो जाती है, मतलब ये फुल लो बजट में मैंने बना के दिखाया आपको, और ये इतना टाइट होकर लग जाता है कि बाद में ये हिलता तक नहीं है कैमरा वगैरह। तो अभी पहले आपको वीडियो क्वालिटी भी चेक करवाऊंगा कि कैसी कैसी लगती है वीडियो क्वालिटी। तो पहले आपको ना लगा के चेक करवाता हूँ, ठीक है ना। तो पहले भी लगाता हूँ उसके बाद, और उसके अलावा पहले कैमरे पे लगा के चेक करूँगा, उसके बाद मोबाइल पे लगा के चेक कराऊंगा, ठीक है ना। तो पहले भी मैं कैमरे पे लगा के चेक कराता हूँ, ठीक है। उसके बाद कैमरे को बाइक को चला के भी देखेंगे, क्योंकि कोई हिल तो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अभी पहले कैमरे पे लगा के चेक कराता हूँ। तो जी मैंने ये तो लगा ली है बेल, मेरा जेन था यहाँ पर लगाना, लेकिन यहाँ पर बटन था तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर तो लगा ली है मैंने। तो उसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर किसी को साइकिल पे, अगर मतलब कोई साइकिल पे जाता है, तो उसको वीडियो वगैरह शूट करनी होती, तो एक खासी वीडियो वगैरह शूट करना मुझे पता है बहुत ज़्यादा तंगी होती है, क्योंकि मैं भी साइकिल पे भी जाता हूँ कभी कभी। तो अगर आप ये ज़रूर बना सकते हैं, बहुत लो बजट में बना को गारंटी से कहता हूँ। और उसके बाद ना वहाँ पर आप लगा के चला सकते हैं, उस पर तो हैंडल भी सीधा आता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं होती। इस पर थोड़ा हैंडल आगे पीछे, तो इसकी वजह से ना, मतलब ये देखे ना, थोड़ा ऐसे नीचे को जा रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा इसका ना बैलेंस ख़राब है, तो कोई बात नहीं। मैंने तो वैसे वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो ज़्यादातर तो मुझे साइकिल के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो साइकिल के मैंने ज़्यादातर बनाया। अगर किसी ने मोबाइल स्टैंड बनाना है, तो उसके लिए तो ये बहुत बेहतर है। अगर किसी ने वैसी क्वालिटी वीडियो में, जैसे मैंने बनाना है ना, तो वो भी बना सकता है, ठीक है ना। तो पहले आपको ना कैमरा लगा के उसके बाद मिलता हूँ, ठीक है ना। तो पहले अभी पहले कैमरा लगा लूँ मैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैंने ये बना तो लिया, मुकम्मल कर लिया। अभी मैं वीडियो क्वालिटी इस पर से नहीं चेक करा सकता इसकी, लेकिन आप ना वैसे ही देख लें इसकी वीडियो क्वालिटी, कि बिल्कुल ओके चल रहा है, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है, जैसे हैंडल ही लेगा वैसे ही लेगा ये। तो अभी तो इस वजह से नहीं चला सकता वीडियो, क्योंकि ना इसका मेमोरी कार्ड ना मुझे घर में रखा है, पता नहीं कहाँ पर रखा है। अगर मिल गया तो आपको इसकी वीडियो बना के दिखा दूंगा, ना मिले तो कोई बात नहीं, तो आप किसी और ब्लॉग में मेरी ये वीडियो देख लेंगे। लेकिन ना ये इसकी देखें, हम अभी कहीं पर नहीं हिल रहा है, इसको अगर हिलाना चाहूँ मैं, ये देखें, ये इतना मजबूत है, ये देखें, क्योंकि ये नट के साथ सारा सिस्टम हुआ है, जिसकी वजह से ये नहीं हिल सकता इतना, ये देखें नहीं हिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी थी। मैं पहले ना, ये देखिए, मैं पहले सोच रहा था बनाने के लिए
मैं पहले बनाने के लिए सोच रहा था यार के ना बनाऊँ, मैं मंगवा लूँ, बनाने के लिए नहीं मेरा जेन था। तो जब मैंने ऑनलाइन प्राइजेज निकाली तो 1500 की यार प्राइजेज मांग रहे थे। तो मैंने कहा यार अब क्या करें, समझ नहीं लग रही है। फिर मेरे दिमाग में ना यार एक चीज़ आई यही कि यार मैं ना बना इसको ज़रूर देखूँ। हाँ बना तो कोई बात नहीं, तेरे को से पैसे जाए जाएंगे। तो मैंने फिर वो सामान वगैरह मंगवाया, उसके बाद मैंने इसको लगा ली, कोशिश की लगाया, कल खपा थोड़ा सा, बिल्कुल ओके हो गया। कोई वेल्ड नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, सिर्फ नट की सारी गेम है और कोई गेम नहीं है इतनी, ठीक है ना। बाकी इतनी अच्छी तरह होल्ड हो जाती कि हिलती भी नहीं है चीज़। उसके अलावा अभी तो मैंने कैमरे का भी लगा के दिखाया है, इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा मोबाइल होल्डर वगैरह लगा के दिखाता हूँ। तो अगर मुझे मेमोरी कार्ड मिलेगा तो आपको वो भी वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी पहले मोबाइल होल्डर ले लेते हैं, दूसरा वाला छोटा वाला, तो वो भी मेरे को पड़ा हुआ है, वो भी आपको मार्केट से मिल जाएगा मेरे ख्याल से 50 या 100 का मिल जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो इतना मतलब लोकल से ही होता है, वो मिल जाएगा आपको। और अभी मैं पहले वो लेगा तो उसके बाद आपको आता आगे बताता हूँ एंड पे कितनी मुझे प्राइस लगी थी बनाने में, कितना हुआ था काम, ठीक है ना। तो आपको वो भी बताऊँगा। तो पहले अभी जाकर पहले होल्डर ले करते, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात हो गई कि ना मुझे इसका वो मेमोरी कार्ड भी मिल गया जो सा, ठीक है ना, लगाने वाला, तो वो भी मिल गया। तो अभी पहले ना आपको वो भी लगा के दिखाता हूँ, आप भी देखिए कोई इशू नहीं आ रहा ना। तो अभी पहले मेमोरी कार्ड लगा के थोड़ी सी बाइक यहीं पर चला के देखूँगा, तो उसके बाद रिकॉर्डिंग वो भी शेयर कर दूँगा, ठीक है ना, इसमें मैं अभी। तो अभी पहले आपको स्टैंड वाला लगा के दिखाता हूँ, और ये स्टैंड की बात कर रहा था मैं आपसे, ये स्टैंड, ये आम आपको मिल जाएगा, देखा ना इसके नीचे नट भी होता है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। पहले आपको ये लगा के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ना, ये भी मैंने लगा ली, ये लग गया, ये अच्छी तरह लग गया, ये भी नहीं हिल रहा है, ठीक है ना। ये देखें आप इधर उधर से ये नट अच्छी तरह लग गया, ओके। तो अभी ना मैं पहले आपको लगा के दिखाता हूँ मोबाइल, उसके बाद मैं आपको कैमरा लगा के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो जी इस टाइम ना मैं कैमरे वाली साइड पर आ चुका हूँ, तो अब ये देखें आप, ये ठीक है ना, मोबाइल होल्डर लग गया। तो ये देख सकते हैं आप, ये अच्छी तरह लग गया, मतलब इसको लगा के अगर आपने वीडियो वगैरह बनानी है तो वो भी बना सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह। और अगर किसी ने मैप वगैरह लगाना है, वो दूर जा रहा है शहर से बाहर, उसका बजट लो है, तो वो ये चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है, वो उसका मतलब ना कैमरा वगैरह मतलब सब कुछ चल सकता है इसमें, मैप भी वगैरह भी चल सकता है एक हिसाब से, LCD बन गई। ये देखे ना, इसको थोड़ा आप पीछे भी कर सकते हैं ऐसे, ये देखे ना बिल्कुल ओके हो गया सब कुछ। तो अब आप इसको थोड़ा सा और पीछे भी कर सकते हैं, करके आप मैप वगैरह लगा के उसके बाद इसको नट और टाइट कर दें, ठीक है ना। टेंशन की कोई बात नहीं, कहीं पर नहीं जाता है आपको, ये गारंटी से कह रहा हूँ। मतलब आप कहीं लंबे टूर पे जा रहे हो और आपको कोई ना मोबाइल स्टैंड चाहिए, आप इतने पैसे खर्चते हो, 1000 2000 खर्चते हो, और आपको मोबाइल स्टैंड फिर भी नहीं अच्छा मिलता, क्योंकि वो उसकी पिक नहीं अच्छी होती, वो ज़्यादा स्पीड में पीछे आ जाता है, तो उसमें नट ना कोई टाइट करने का ऑप्शन होता है। इसमें टाइट करने का ऑप्शन भी है, जितना मर्जी टाइट कर, अभी मैंने फुल टाइट नहीं किया, अभी बिल्कुल अभी अभी देखे ना, अभी भी है इसमें फास्ट, अभी मैं टाइट कर सकता हूँ इसको, और तो ये बेहतर रहेगा। आप जहाँ आपने 1000 2000 खर्चने हैं, मैं आपसे कोई बात नहीं इतनी छुपाता, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, ठीक है ना। आपसे कोई बात छुपानी भी नहीं होती, सीधी सीधी आपको बात बताता हूँ कि ये आपको ना मेरे ख्याल से, हाँ अगर आपने मोबाइल स्टैंड बनाना है तो आपको 150 तक या 200 तक का पड़ जाएगा। अगर आपने कैमरा स्टैंड बनाना है तो आपको इसके ऊपर लगी तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो आप उस कैमरा आपके पास मौजूद होगा तो फिर आपका 100 से ज़्यादा नहीं लगेंगे, गारंटी के साथ होगा, ठीक है ना, 100 से ज़्यादा नहीं लगेंगे। और इसकी पिक काफ़ी अच्छी है, ये देखें ना पूरा हैंडल है इसके साथ जा रहा है बिल्कुल, ये देखें, तो ये कहीं नहीं जाता, आपको ये गारंटी से दूंगा, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी मतलब ना मुझे ये लगा था, मैंने कल ट्राई भी किया था। तो अभी मैं पहले ना आपको कैमरा लगा के उसकी फुटेज दिखाता हूँ कि कैसे लगेगी, ठीक है ना। तो अभी पहले आपको कैमरा चला के दिखाता हूँ। तो मैंने अभी पहले कैमरे वाली साइड पर आ गया, कैमरा मैंने लगा लिया हुआ है, तो अभी पहले सर हमार का उसके बाद चेक करवाता हूँ, उसके थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने कैमरा वगैरह तो फिट कर लिया था, तो थोड़ा सा वाइब्रेशन आई सिर्फ स्टार्ट के वक्त, अगर आप बाइक सीधी चलाई जाएंगे ना तो कोई वाइब्रेशन नहीं आएगी, आपने देखा होगा इसमें, अगर मतलब स्टार्ट वगैरह तो वाइब्रेशन आती है क्योंकि हैंडल हिलता था थोड़ा, तो अगर आप इसको ज़्यादा देर मतलब सीधा चलाई जाएंगे ना तो ये वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये रोड के साथ वाइब्रेशन जुड़ जाती है जिसकी वजह से वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। तो जैसा कि आपने देख लिया, अगर बिल्कुल ओके कंडीशन में लगता है, फ्रंट से भी अगर आपको दिखा देता हूँ तो फ्रंट से भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है, तो यूनिक सी चीज़ लगती है, ठीक है ना, लगी हुई। तो ज़्यादा मुझे ना ये कैमरे के लिए और वो लोकेशन वगैरह लगाने के लिए मोबाइल होल्डर, ये दोनों कमाल के लगे हैं। और ये आपको बता दिए 100 रुपीज़ में बन जाएगा, कैमरे वाला बनाना है अगर
ये अगर आपने मोबाइल स्टैंड बनाना है तो वो आपको 150 का बन जाएगा, क्योंकि उसके साथ दूसरी भी ज़रूरत होती है। तो ये काफ़ी रेंज प्राइस में, अगर आप यही आप ओरिजिनल मतलब मंगवाए ना ऑनलाइन वगैरह, तो आपको मिलेगी गारंटी के साथ, आपको बताता हूँ, वो मिलेगी आपको 1500 2000 की मिलेगी। तो उसकी पिक भी नहीं इतनी अच्छी होगी, लेकिन इसकी पिक अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी पिक। तो अभी तो पहले मैं ना जाना है मैंने मैकेनिक के पास, क्योंकि ना इसकी ये गोल्डन लाइट नहीं चल रही है, तो ये जाके चेक करवा के आता हूँ, उसके बाद आपको आगे मिलता हूँ, ठीक है ना। तो जी रात हो चुकी है, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 11 बज चुके हैं। तो मैंने व्लॉग एंड जब मतलब वो उसके बाद मैंने व्लॉग बनाया, 3 बजे तक मैंने व्लॉग बनाया था, 3:30 बजे तक, उसके बाद मैंने व्लॉग बनाया। तो मैं आपको यार बताना भूल गया था, मुझे याद नहीं था मैंने आज व्लॉग बनाना है। तो मैं पहले लाइट का काम करवाने निकल गया, मैंने वो भाई से पूछा, मैंने कहा भाई वो लाइट सही करनी है तो देखना क्या मसला हुआ उसका। तो उसने चेक किया लाइट, तो जब लाइट चेक की उसने लाइट चेक करके कहता भाई वो लाइट ख़राब हो गई है। मैंने कहा लो जी मुझे ठुक गया पैसे को। तो मैंने कहा कितने, कहता ये आपको जिनाह कलोनी से मिलेगी, ठीक है जो साहब आपको पता है जिनाह जिनाह कलोनी का जो फैसला पास से देख रहे हैं। तो जिनाह कलोनी गया, वहाँ से जाकर लाइट ले गया, तो मैं ब्लू कलर की इस बड़ी लाइट ली, पिछली बड़ी गोल्डन थी ना इस बड़ी ब्लू कलर की ली, तो काफ़ी अच्छा कलर था। मैं आपको इस टाइम मेरे पास चाबी मौजूद नहीं, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा मतलब अगर इसकी लाइट ठीक है ना। तो अभी पहले आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये है लाइट, ठीक है, ये आपको लग रही होगी देखने में ब्लैक, ठीक है ना, ब्लैक लग रही होगी तो, लेकिन नहीं ये ब्लैक नहीं है, ये ब्लू कलर में आई थी। जब मैं सुबह लगवा के लेके आया ना, तो मतलब ना उस मुझे उसके बाद ना ब्लू कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा था, रेड के साथ ब्लू। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने ना किया ये देखें, मैंने ये वाली साइड से ना ये देखें, अगर आप गौर करें तो ये ब्लू ब्लू आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ना ये स्टिकर इसके ऊपर जो सा स्टिकर नहीं होता है वो मैट वाला स्टिकर, जो सा ये जैसे टेंकी के ऊपर लगवाया, ये शाइन वाला है और ये मैट वाला था, तो मैट वाला स्टिकर लगवा लिया मैंने। स्टिकर लगवाने के बाद उसके बाद काफ़ी लुक अच्छी लुक निकल आई थी। तो उसके बाद मेरा जहन था कि यार ये अंदर एक रिंग में भी ना इसकी ब्लू लाइट चलती होती है, वैसे तो वाइट चलती है, लेकिन दरमियान में फ्लैशर भी चलता है, वाइट भी लाइट चलती है, हाई लो भी चलती है, और ये साइड पे जो वाइट वाइट देख रहे हैं ना इसमें ब्लू लाइट चलती होती है। तो मुझे ब्लू और रेड की कम्बिनेशन इतनी अच्छी नहीं लग रही थी दोपहर टाइम। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मैं ना कल जाऊँगा, कल जाके ना मैं ब्लू वाली लाइट का, इसमें ब्लू वाली लाइट का कनेक्शन ख़त्म करवा दूंगा। तो लेकिन जब मैं रात को मतलब करवा के लेमिनेशन करवा के आया ना घर, तो फिर मुझे लगा काफ़ी अच्छा ब्लू कलर, मैंने गौर से देखा मुझे ब्लू और रेड काफ़ी अच्छा कलर लगा। तो मैंने कहा यार ठीक है चलता रहे कोई बात नहीं, पहले भी तो ब्लू रेड कलर हुआ हुआ है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं करते रहे, तो खैर हो गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा सर, उसके बाद मैं चला गया वो लालपुर गैलरी चला गया, काम था मुझे वहाँ पर, मैं वहाँ पर चला गया घूमने। तो उसके बाद वहाँ से हो के आया हूँ, अब हो के आया लेट हो गया था मैं, 11 बज गए थे, तो 11 बजे मैं वापस आया। मैंने कहा यार अब ब्लॉग भी एंड करना है, तो अभी ब्लॉग एंड कर लेते हैं, तो ब्लॉग एंड कर लेते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें, पहले का जरूरत भाई, हमारी नई से नई वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।